Hello students, welcome to the Chennai class 2. Now we'll start number of divisors. Okay, problems related to divisors. Okay, suppose जो number है आपके पास वो है capital N और वो है P1 power alpha 1 into P2 power alpha 2 P3 power alpha 3 to Pn power alpha n. ठीक है, यहाँ पर P1, P2, P3 ये सब क्या है? प्राइम्स, प्राइम नंबर. ठीक है, ओके. तो इसके टोटल नंबर ऑफ जो डिविजर्स होंगे, सो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स वो होगा अल्फा वन प्लस वन, अल्फा टू प्लस वन, अल्फा थ्री प्लस वन, अप टू अल्फा एन प्लस वन. ठीक है, ये कैसे हो रहा है? बहुत ही सिंपल है. ये यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये प्राइम होंगे, ये सारे प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम होंगे और डिस्टिंक्ट प्राइम होना चाहिए. ठीक है, P1, P2, P3 ये सब डिस्टिंक्ट प्राइम होंगे. ठीक है, तो कोई भी नंबर को हम ऐसे प्राइम नंबर्स का टर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर उसके पावर में कुछ भी लिख सकते हैं. आगे बात समझ में? तो उसके बाद, अच्छा सबसे पहले तो डिविजर समझो. डिविजर क्या होता है? कि जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर दे कंप्लीटली. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नंबर ले कोई, मान लो हमने नंबर ले लिया 18. ठीक है, 18 नंबर ले, तो 18 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 स्क्वायर इंटू 2, या फिर ऐसे बोलो 2 इंटू 3 स्क्वायर. आगे बात समझ में? अब कुछ लोग बोलेंगे इसको 2 इंटू 9 भी तो लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 9 नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हमने क्या बोला गया है कि ये सारे P1 P2 प्राइम लेना, मतलब 2 भी प्राइम है आपका, 3 भी प्राइम है, तो 9 प्राइम है क्या? नहीं है. आगे बात समझ में? ऐसे लिखेंगे. ऐसे लिखने से क्या हुआ, ये नंबर ऑफ डिविजर्स कैसे आए, बात को समझना आप ध्यान से, है ना. 18 के जैसे डिविजर्स आपके पास क्या क्या होंगे? एक तो 1, एक 2, ठीक है, 3, 4 होगा नहीं होगा, 5 नहीं, 6 बिल्कुल 6 भी होगा, 7, 8, 9, 9 भी होगा, और उसके बाद 18. तो कितने नंबर ऑफ डिविजर्स है? ये आपके पास आ गए टोटल 6, है ना. तो अब इनमें देखो, ये 1 जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना इसको. 1 जो लिखा हुआ है 2 पावर 0, 3 पावर 0. ये 2 जो लिखा है वो क्या लिखा है? 2 पावर 1 एंड 3 पावर 0. 3 लिखा हुआ है 2 पावर 0, 3 पावर 1. ये लिखा है 2 पावर 1, 3 पावर 1. ये लिखा है 2 पावर 0, 3 पावर 2. और ये लिखा है 2 पावर 1, 3 पावर 2. तो हमें 2 की पावर में होल नंबर चाहिए और 3 की पावर में होल नंबर. जितने भी पॉसिबल वेज है वही आपको लेना है, वही आपके नंबर ऑफ डिविजर्स होंगे. आगे बात समझ में? तो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, कि 2 की पावर क्या क्या आपके पास, या तो 0 ले सकते हो या फिर 2 पावर 1 ले सकते हो. ऐसे ही 3 पावर क्या है? 0 ले सकते हैं, 3 पावर 1 या 3 पावर 2. तो इन दोनों का और इन दोनों का 2 लेने का तरीका कितना है? 2. और 3 लेने का तरीका कितना है? 3. तो टोटल कितना हो गया? 6. तो यही हो रहा है यहाँ पे, अल्फा प्लस अल्फा वन प्लस वन, अल्फा टू प्लस वन, यही हो रहा है यहाँ पर, उन सबका मल्टीप्लीकेशन. आई बात समझ में? नहीं या नहीं आई, है ना. नहीं आती है तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बात को समझना. इसके जो नंबर ऑफ डिविजर्स आएंगे टोटल वो क्या क्या होगा, कि P1 आप क्या क्या ले सकते हो? जैसे हमने 2 लिया है, 2 पावर 0 और 2 पावर 1 तक ले सकते हैं. तो P1 क्या ले सकते हैं? P पावर 0, 0 मतलब या तो 0 ले ले, मतलब P1 पावर 0 क्या हो जाएगा? 1. ठीक है, तो ये ले सकते हैं, या फिर P1 पावर 1 ले ले, या P1 पावर 2 ले ले. ऐसे कहां तक ले सकते हैं हम? मैक्सिमम जो पावर है वहां तक. आगे बात समझ में? ऐसे ही P2 की पावर 0 ले सकते हैं या फिर 1 ले सकते हैं. ऐसे कहां तक ले सकते हैं हम? P2 पावर अल्फा 2 तक. आगे बात समझ में? ऐसे ही सिमिलरली इसके लिए Pn पावर 0 ले सकते हैं हम, Pn पावर 1 ले सकते हैं, और या फिर Pn पावर अल्फा n ले सकते हैं. आगे बात समझ में? ऐसा लेने से क्या हुआ, अब इसमें, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर जो आएगा डिविजर्स का सम आएगा क्या? टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स है उनका सम. आ रही बात समझ में? चलो सम को एक मिनट हटा दो, मैंने ऐसे इसको ऐसे ऐसे समझो, सम एक मिनट के लिए हटा दो, सम एक मिनट के लिए हटा दो. ध्यान से सुनना, समझ में आना चाहिए भाई, फील आना चाहिए कि क्या हो रहा है यहां पर. ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है, यदि एक बार में समझ में आ जाती है तो. अब इसमें जो पॉसिबल, इनके मल्टीप्लीकेशन में पॉसिबल जितने भी आपको जितने भी मल्टीप्लीकेशन करके जितने भी टर्म्स मिलेंगे वो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स होंगे क्या?
बोलो भाई, जैसे मैं इसको 2 पावर 0, 2 पावर 1 है, 3 पावर 0, अब इसका 2 पावर 0 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिवीजन मिल जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिवीजन मिल गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये डिवीजन मिल गया, 2 पावर 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये डिवीजन मिल गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये डिवीजन मिल गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका ये डिवीजन मिल गया। 1 तो 2 पावर 0, 3 पावर 0 से मिल गया था। तो क्या सारे डिवीजर आ गए क्या आपके पास? तो ये कितने नंबर ऑफ वेज है टोटल? α1+1। ये टोटल कितने हैं? α2+1। ये कितने हैं? α n+1। तो उन सब का मल्टीप्लीकेशन ही आपको टोटल नंबर ऑफ डिविजन देगा। आती है बात समझ में? या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास α1 इस p1 टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, तो उनका टोटल नंबर ऑफ वेज लेने का α1+1। नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे समझो कि ये जो 2 है, एक टाइप का आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो गया, कितने अवेलेबल है? एक। लेने का तरीका कितना होगा? 1+1। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज, तो 1+1। मैं एग्जाम्पल से लेके समझा रहा हूँ, तो उससे क्या है थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, है ना? जो टाइप 2 है वो कौन सा आपके पास डिजिट है? 3। प्राइम नंबर कौन सा है? 3। वो कितने अवेलेबल है? 2। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मान लो डिजिट 3 है, वो कितने अवेलेबल है? 2। तो उनको टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे लेने का? 2+1। तो ये हो गया 2 × 3, दैट इज 6। आगे बात समझ में? अब इसमें 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो 2 पावर 0, 3 पावर 0 मिलकर क्या हो जाएगा? 1। तो 1 जो है वो इसका डिविजर तो है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ डिविजर। कोई डाउट? ठीक है। और इसमें मैं ऐड कर दूं सभी को, सभी को ऐड कर दिया, ठीक है? तो इनका जब आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो क्या आएंगे? टोटल नंबर ऑफ डिविजन इतने आपके, उन सब का सम। तो ये आपका हो गया सम ऑफ ऑल डिविजन, जितने भी डिविजन पॉसिबल है उन सबका सम यदि आपसे निकालने का बोला गया तो आप ऐसे कर दोगे। आ रही है बात समझ में? नहीं आती तो एक बार मैं बता देता हूं फिर से कि एक टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से आपके पास P1, यहाँ पे डिजिट है, और वो कितने हैं नंबर? कितने नंबर है वो? टोटल α1। तो इन इस टाइप के जो P1 टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है उनको लेने का तरीका टोटल क्या होगा? α1+1। ऐसे इसके लिए α2+1, इसके लिए α3+1, इसके लिए α n+1। तो उन सबका मल्टीप्लीकेशन ही आपको टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स देगा। आगे बात समझ में? तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, ये हो गया सम ऑफ डिविजर्स, ठीक है? अब कुछ टर्म आता है, ये एक टर्म हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, ये दूसरा सम ऑफ डिविजर्स, तीसरा टर्म आता है इम्प्रॉपर डिविजर, इम्प्रॉपर डिविजर। अच्छा, कहीं आप देखोगे कि इम्प्रॉपर डिविजर 1 और n दोनों को लिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। हमें जेई के लिए तो जो इम्प्रॉपर डिविजर होगा वो नंबर होगा नंबर n, मतलब जो नंबर है नंबर n इज एन इम्प्रॉपर डिविजर। ठीक है, जैसे 18 के डिविजर से 1, 2, 3, 6, 9, 10, 18, तो इसके लिए इम्प्रॉपर डिविजर कितने होंगे और कौन सा होगा? वो 18। ठीक है, तो इम्प्रॉपर डिविजर आ गया, तो फिर प्रॉपर डिविजर क्या हो गए? प्रॉपर डिविजर हो जाएंगे आपके, इम्प्रॉपर डिविजर हटा दो तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स कितने हैं? α1+1, α2+1, ऐसे ही α n+1, सबका मल्टीप्लीकेशन -1। ये 1 किस लिए हटाया गया है? नंबर जो खुद नंबर है उसको छोड़ के सारे क्या है? प्रॉपर डिविजर्स। तो आपसे पूछा जाए, आपसे यदि पूछा जाए कि प्रॉपर डिविजर का सम बताओ, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे, जो डिविजर्स है सभी का सम निकालो, इसमें से हम नंबर n माइनस कर देंगे तो वो प्रॉपर डिविजर्स का समझ आएगा, क्योंकि सभी, क्योंकि ये सम ऑफ डिविजर्स में तो नंबर 18 भी ऐड होगा। जैसे मैं जो डिविजर्स इनको ऐड करूं तो क्या होगा? 1+2+3+6+9+18, ये आपके हो गए टोटल डिविजर्स। इसमें से प्रॉपर डिविजर कौन कौन से हो जाएंगे यहां से यहां तक? तो इसमें से हमने 18 माइनस कर दिया तो वो किसका सम आ जाएगा? प्रॉपर डिविजर्स का सम। आगे बात समझ में? देख लो एक बार अच्छे से क्या क्या हुआ है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट और आता है कि नंबर ऑफ डिविजर्स,
सॉरी नंबर ऑफ वे इन विच इट कैन बी रिजॉल्व एज दी इट कैन बी रिजॉल्व एज फैक्टर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर। नंबर इज क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी रिजॉल्व एज फैक्टर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आप समझो, बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि हमें ये टोटल जो 18 नंबर है इसको दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट में रिजॉल्व करना है। अगली बार समझ में, एज फैक्टर्स ऑफ एज फैक्ट सॉरी फैक्टर नहीं, एस यहां पर एस प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना? ना फैक्टर्स नहीं होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इन विच इट कैन बी रिजॉल्व एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तो जैसे ये 18 है, 18 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 into 9, इसको हम लिख सकते हैं 1 into 9, सॉरी 1 into 9 नहीं होगा, 1 into 18 कितना हो गया, 18, 2 into 9, आगे बात समझ में, 3 into 6, तो टोटल कितने केस आ गए, 3। मतलब आप इधर से चलो, मतलब यहां से आप बढ़े इस पर, तो इधर से किस नंबर पे जा रहे हैं आप, सेकंड पे, इधर से थर्ड आया तो इधर से भी थर्ड चले गए, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ जो डिविजर्स है उसका क्या हाफ केस बनेंगे क्या। सो फर्स्ट केस, इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है, तो तब नंबर ऑफ वे तब हम दो दो फैक्टर के या दो नंबर के प्रोडक्ट में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं इस नंबर एन को, वो आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स डिवाइडेड बाय। ठीक है, और केस नंबर टू, जब एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एन यदि परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो तब क्या होगा, तब ये होगा टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स +1 डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ में आती है, नहीं आती है तो समझो ये कैसे बताया। जैसे मैं 6 की बात करूं, 6 की बात ना करके हम 8 ले लिया, कुछ ऐसा नंबर ले कि समझने में आसानी हो हमें। मान लेते हैं हम कुछ 36 ले लेते हैं। ठीक है, 36 को हम लिख सकते हैं 2 और 3 में, तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, 36 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। हाँ ठीक है, अब इसके टोटल नंबर, जैसे आप ये सारे क्वेश्चंस भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल नंबर ऑफ इसके टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स कितने होंगे, वो हो जाएंगे, ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है इसको लेने का तरीका 2+1, या फिर α1+1, α2+1, तो 2+1 अगेन, तो ये हो गया टोटल 3 into 3 9, ये टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स आ गए आपके पास। अब आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स कितने हो जाएंगे, 9 - 1 दैट इज 8, क्योंकि जो नंबर 36 है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो 36 को हमने लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स आ गए आपके पास 9, है ना, नंबर ऑफ डिविजर्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, नाउ प्रॉपर डिविजर्स कितने हो गए, 8। अब आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ डिविजर्स, तो बहुत ही सिंपल,
तो टू कहाँ से स्टार्ट होगा, पावर जीरो से, फिर वन, फिर टू, और ऐसे ही थ्री पावर जीरो, थ्री पावर वन, थ्री पावर टू तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोर प्लस, फोर प्लस टू सिक्स, प्लस वन सेवन, इंटू ये हो गया नाइन, प्लस थ्री ट्वेल्व, प्लस वन तो हो गया 30, ठीक है। कोई डाउट? तो ये हो गया आपका 91, तो सम कितना आ गया 91, ओके। तो ये हो गया सम ऑफ डिविजर्स, इम्प्रॉपर प्रॉपर डिविजर हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ बेस इन विच इट कैन बी रिजॉल्व एज प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलना जरूरी है क्योंकि जैसे हमने 18 लिया था, तो उसको हम फिर ये भी तो लिख सकते हैं माइनस टू इंटू माइनस नाइन, तो निगेटिव में नहीं जा रहे हम, आगे बात समझ में, निगेटिव में नहीं जा रहे, तो हमें टू और नाइन ही लेना है, ओके। इसलिए तो 36, तो टोटल नंबर ऑफ जो डिविजन्स हो जाएंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी रिजॉल्व एज प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर, वो हो जाएगा इस केस में 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5, ठीक है। अब ये 5 कैसे आया, अब इसको एक बार और समझ सकते हैं। हमने क्या बोला था कि परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें प्लस वन ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। इसको याद यदि आपको रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, जैसे 36 है, इसके जो नंबर ऑफ डिविजन्स है वो आपके पास ऑड आएंगे, तो 2 से डिवाइड करने के लिए उसको इवन बनाना पड़ेगा, तो क्या करो आप प्लस वन ऐड कर दो, इवन बन जाएगा। आगे बात समझ में? और यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमेशा नंबर ऑफ जो डिविजर्स आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे आपके पास, इवन आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर सीधा आप 2 से डिवाइड कर दो। तो ये याद रखने का तरीका हो गया, कैसे याद रखोगे, और ऐसा क्यों हो रहा वो हम समझते हैं। जैसे 36 है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 एंड 6 इंटू 6। और आप लिखना चाहो कि मान लो इधर आ जाए 9 इंटू 4, 12 इंटू 3, ठीक है, 18 इंटू 2 एंड 36 इंटू 1। अब देखो ये जो है, ये तो आपके आगे नंबर ऑफ डिविजर्स, आप देख सकते हो कितने हो गए ये, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके हो गए नंबर ऑफ डिविजर्स। आप निकालोगे भी तो यही आएंगे, मतलब इन इनका सबका कॉम्बिनेशन देखो, टोटल जो 9 है वो यही होंगे, 2 पावर 0 इंटू 3 पावर 0 1, 2 पावर 0 इंटू 3 पावर 1 3, ऐसे सारे के सारे यही आएंगे। अब इसमें देखो हमें तो दो जो दो नंबर के प्रोडक्ट में रिजोल्व करना है एक नंबर को, ठीक है, तो ये वाला केस और ये वाला केस एक ही बात है, 1 इंटू 36 लिखूं मैं या 36 इंटू 1 लिखूं एक ही बात है, ये और ये करूं एक ही बात है, ये और ये करे एक ही बात है, ये और ये करे एक ही बात है, तो टोटल कितने केस हो गए, 4, और 6 इंटू 6 5 हो गए, तो ये जो टोटल 8 है इनके लिए तो आप डिवाइडेड बाय 2 कर दो। यदि मैं टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बाय 2 करता हूं तो ये तो एक ही बार है, तो हाफ टाइम आएगा, तो इसलिए हमने 1 और ऐड कर दिया, मतलब 6 इंटू 6 को एक बार और जोड़ दिया, तो टोटल कितने थे ये 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, अब डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 6 इंटू 6 कितनी बार आएगा, एक बार। आगे बात समझ में? बट जो 18 का था उसको हमने क्या लिखा था, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, ठीक है, और फिर 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। यही था ना ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या था कि ये और ये केस एक था, ये और ये एक केस था, ये और ये केस था, मतलब हर एक केस दो दो बार आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आप सीधा आपको मिल जाएगा, बट यहां पर ये केस जो है एक बार आएगा, तो हमने एक बार ऐड कर दिया और प्लस 1 से फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अरे ये बात समझ में? तो यदि दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में आपको इसको किसी नंबर को बताना है तो वो कितना होगा, यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स डिवाइडेड बाय 2, और यदि वो परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। याद आप ऐसे रखो, इवन नंबर है सीधा डिवाइड कर दो, ऑड है तो प्लस 1 करके डिवाइड कर दो, तो वो तो एक जो नंबर है वो इंटीजर आ जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है भाई, यहां तक ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपके पास सम ऑफ डिविजर, इम्प्रॉपर प्रॉपर डिविजर्स, ओके। देन यदि दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट करना है किसी नंबर को, दो प्रोडक्ट
दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में यदि बताना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं अलग अलग केसेस में, यदि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो। ओके, नाउ अगला पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ ऑफ को प्राइम फैक्टर्स। को प्राइम फैक्टर मतलब यदि दो फैक्टर में हमें कन्वर्ट करना है तो उसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक को प्राइम नंबर क्या होते हैं उनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, तो हमें जो नंबर है उसको दो के प्रोडक्ट में बताना है और दोनों जो नंबर आएंगे वो क्या होना चाहिए, को प्राइम। इसका बोलने का मतलब ये है। ठीक है, मतलब जो नंबर है उसको दो को प्राइम में कन्वर्ट, दो को प्राइम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ये बोल रहा है। को प्राइम फैक्टर्स मतलब दो नंबर जो होंगे उनके प्रोडक्ट में बताना है किसी नंबर को और वो क्या हो, को प्राइम हो नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो नंबर है आपके पास एन, वो ये है। ठीक है, उसको हमने ऐसा लिखा था। अब ध्यान रखना सभी में, भाई ये बार बार बताया जा रहा है कि P1, P2, P3, PN ये सब प्राइम नंबर्स होंगे, तो प्राइम नंबर्स का एक्सपोनेंट चढ़ा हुआ है यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं कि इसको प्राइम ले लिया, इसको प्राइम नहीं लिया, इसको प्राइम ले लिया, ऐसा भी नहीं चलेगा, सारे प्राइम होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में यदि बोलूँ मैं इसको कि 4 × ये कर लो आप, 3² कर लो, तो तब बात नहीं कर रहे हम, तब कब बात कर रहे हैं जब 2² क्योंकि ये प्राइम बन गया, 3 तो प्राइम, 3 भी प्राइम। आगे बात समझ में, तो क्या होगा बात को समझना, हमें दो नंबर चाहिए, मतलब दो ग्रुप में या दो नंबर में आपको इस पूरे जो कैपिटल नंबर, जो कैपिटल एन है जो नंबर है आपको उसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट में बताना है और दोनों नंबर्स कैसे हो, को प्राइम। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि यहाँ पर क्या है, P1 पावर अल्फा 1। ठीक है, P1 पावर अल्फा 1, इधर है P2 पावर अल्फा 1। तो ये ऐसे कितने टर्म है, 1, 2, 3, ऐसे ही कहां तक होंगे एन, तो ये 1 से लेके कहां तक है एन, एन फैक्टर से, ऐसे समझो इसको, मतलब एन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन है, एन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन है ये। ठीक है, और सारे, अब यहां ध्यान से देखो आप, सारे के सारे को प्राइम है क्या, जैसे मैं 2² बोलू 3² बोलू तो ये को प्राइम है क्या, एचसीएफ इसका बन ही आएगा। आगे बात समझ में, तो हमने क्या किया कि इन कितने टोटल नंबर है, ये एन 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 नंबर से है ना, तो इनमें से हमने कोई भी पहले ग्रुप में नहीं लिया, मतलब जो दो नंबर है मान लो ए नंबर है और बी नंबर है, बात को समझो, इधर हमने कोई नहीं लिया, तो कोई नहीं लिया मतलब क्या आएगा, 1, मतलब 1 × करेंगे ना, और सारे के सारे जो एन में से है, सारे के सारे मतलब P1 पावर अल्फा 1 से लेके PN पावर अल्फा n इस साइड ले लिए, तो वो हो गया NCN, या ऐसे समझो कि इधर कुछ नहीं लिया तो NC0। समझ में आ रही है बात। अब फिर मैंने इधर एक नंबर लिया, तो वो एक कौन सा हो सकता है कि n में से कोई भी हम एक ले ले, तो मान लो वो आ गया आपके पास P2 अल्फा पावर 2, और बचे हुए यहां चले जाएंगे, मतलब P1 पावर अल्फा 1, P3 पावर अल्फा 3 से लेके PN अल्फा n, वो सारे के सारे इधर आ गए। तो आप देखो इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका मल्टीप्लीकेशन एन के बराबर आ रहा है क्या। आगे बात समझ में, अब इधर हम दो ले ले, दो कोई फैक्टर ले ले, मान लो ये ले लिया और ये ले लिया, तो जो P3 से लेके PN पावर अल्फा n ये सारे इधर ले लिए तो भी प्रोडक्ट वही आएगा। ऐसे हमने इधर 3 ले लिया तो MC3। आगे बात समझ में, अब क्या होगा कि सारे के सारे इधर ले लिए तो उसका तरीका कितना हो जाएगा, ये NC3 चल रहा है ना, यहाँ ये NC0, NC1, NC2, इधर अगले केस में NC3 है ना, या फिर लास्ट केस की हम बात करें तो लास्ट केस में क्या होगा कि सारे के सारे नंबर इधर ले लिए, ये जो चल रहा है कोई भी नंबर नहीं लिया, मतलब इन मल्टीप्लीकेशन में से एक ले लिया, दो ले लिए, तीन ले लिए, सारे के सारे ले लिए, मतलब यहां से लेके यहां तक सारे के सारे इधर ले लिए तो इधर कुछ नहीं लिया, तो NCN हो जाएगा। आगे बात समझ में, इससे पहले क्या होगा कि हम NCN-1 लेंगे, मतलब एक इधर कोई छोड़ दिया, मान लो ये छोड़ दिया और बाकी सब इधर ले लिए, तो वो कितने तरीके से छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि हमें तो एक ही छोड़ना है। अरे बात समझ में, तो मतलब इधर कितने लेना है आपको, NCN-1। आगे बात समझ में, एक ही बात है भाई, इधर
एन से एन माइनस, या इधर फिर एक कोई लो एन में से। अच्छा बात समझ में आ रही है ना, एन में से कोई भी एक लेना, मतलब टोटल एन है उसमें से एक कोई भी ले लो, आप पी टू और अल्फा टू ले लो या ये, वो सारा केस इसी में आ गया एनसीवन में। ऐसा सिमिलरली यहाँ भी यही हो रहा है। आगे बात समझ में, तो यहां से लेके यहां तक सबका सम कितना होगा, एन सी जीरो से लेके एन सी वन ऐसा एन सी एन तक सबका सम कितना होगा, टू पावर एन सिंपली। आगे बात समझ में, अब हमें तो क्या करना था कि दो नंबर्स ऐसे हो जो को प्राइम हो, उनके प्रोडक्ट में, उनका प्रोडक्ट करें तो क्या नंबर मिल जाए आपको, एन। तो अब ऐसे देखो कि ये ए लिया ये बी लिया, तो ए इंटू बी करूं या बी इंटू ए करे, एक ही बात है। मतलब इसका इसके साथ इंटू करे या इसका इसके साथ इंटू करे, तो दोनों केस एक ही हुए क्या, इसका ये और ये केस एक हो गया क्या, मतलब सारे केस कितनी बार आएंगे, दो बार। मतलब ए इंटू बी करे या बी इंटू ए करे कोई दिक्कत नहीं, हमें तो दो फैक्टर चाहिए ना, तो इन सबको डिवाइडेड बाय टू कर दो, तो ये आ गया टू पावर एन माइनस वन। यदि दो को प्राइम फैक्टर्स में आपको किसी भी नंबर को बताना है तो कितने तरीके से बता सकते हो, टू पावर एन माइनस वन। यहां पर एन क्या है, ध्यान रखना, एन जो है वो जितने भी को प्राइम फैक्टर्स है नंबर के वो है, टोटल नंबर है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ 36, इसको हमें दो को प्राइम फैक्टर में के प्रोडक्ट में लिखना है, दो को प्राइम के प्रोडक्ट में लिखना है, तो वो कैसे लिख सकते हैं, ये को प्राइम ये दूसरा को प्राइम, तो टू पावर ही हो जाएगा, कितने हैं टोटल, दो माइनस वन, तो हो गया टू। अब वो टू कौन कौन से हो सकते हैं आप यहां देख सकते हो। अब देखो ये आपका है क्या, दोनों को प्राइम है क्या, नहीं है। एचसीएफ कितना है, टू, ये भी नहीं है। फोर और नाइन है क्या, ये हो गया एक, फोर नाइन हो गया। सिक्स सिक्स है क्या, नहीं है। नाइन फोर, वो तो एक ही बात हो गई, फोर नाइन, फोर इंटू नाइन करें, नाइन इंटू फोर करें, 36 ही मिलेगा, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ये हो गया, और इधर एक एस, मतलब एस सी एम एक यहाँ है और एक यहाँ वन है। आगे बात समझ में, टोटल कितने बन रहे थे हमारे इसमें, टोटल नंबर ऑफ डिविजन नाइन बन रहे थे ना। हाँ, तो वन इंटू 36 हो गया और फोर इंटू नाइन हो गया। आगे बात समझो, तो यहीं पर आपको एचसीएफ मिल रहा है, यहां से ही वही निकला, तो हमने भी जो बताया है वो यही किया है। बोलो भाई, आती है बात समझ में। ओके, अब थ्योरी पोर्शन इसमें कुछ नहीं बचता है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट, तो विल सी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस डिविजन प्रॉब्लम। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 12। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, टू स्क्वायर इंटू थ्री, ठीक है। अब इस नंबर को हमें, जो 12 है उसको नेचुरल नंबर बोला है उसने, है ना, हाँ नेचुरल सॉल्यूशन बोला है, तो एक्स भी नेचुरल होना चाहिए, वाई भी नेचुरल होना चाहिए, तो दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स डिवाइडेड बाय टू होता है क्या भाई, क्या बोला गया है, फिर से एक बार बोल देता हूँ कि जो नंबर 12 है इसको हमें दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में ब्रेक करना है, तो अभी हमने देखा था कि क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन डिवाइडेड बाय टू, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं इसके, टू प्लस वन इंटू थ्री पावर कितना है, वन, तो वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। ये क्या ये हो जाएगा क्या आंसर, ये हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पर एक्स और वाई दो नंबर बोल दिए, मतलब मैं इसको 1 इंटू 12 बोलूं और 12 इंटू 1 लिखूं, ये दोनों अलग अलग बात है, क्योंकि x की वैल्यू एक बार 1 हो रही है, y 12 हो रहा है, और एक बार x 12 हो रहा है, y 1 हो रहा है, तो ये अलग अलग चीजें हो गई। यहाँ पर हमें दो नंबर ऐसे, दो डिफरेंट डिफरेंट नंबर है x और y, आगे बात समझ में, तो 1 इंटू 12 करोगे और 12 इंटू 1 करो, यहाँ पर अलग अलग बात है, क्योंकि जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हो वो एक्स और वाई को असाइन कर रहे हो, तो कहने का मतलब इसमें आप टू से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे बोलो कि टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स जो है वही आपका आंसर हो गया। आगे बात समझ में, तो वो कितना हो गया, ये 6 के बराबर आ गया, ये इंटू टू क्यों किया, बहुत ही सिंपल फंडा है कि दो नंबर को हम, सॉरी एक नंबर को दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में ब्रेक करते हैं, तो कैसे करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन डिवाइडेड बाय टू अभी बताया था, और परफेक्ट स्क्वायर है तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, बट यहाँ क्या हो रहा है कि वन इंटू 12 लू और 12 इंटू 1 लू दोनों अलग अलग बात है, क्योंकि एक से एक बार वन हो रहा है, फिर वाई 12 या एक्स 12 वाई 1 दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो, या फिर ऐसे समझो कि एक्स को हमने बोल दिया टू पावर अल्फा वन,
और 3 पावर बीटा 1, क्योंकि ये जो है टू एक्स और वाई जो होगा वो 2 की पावर में कुछ आएगा या 3 की पावर में आएगा, ठीक है। और α1 β1 क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ऐसे सिमिलरली वाई जो है 2 पावर β1 ले लिया, 2 पावर α2 ले लिया और 3 पावर β2, तो एक्स इंटू वाई आपका क्या हो गया, 2 पावर α1 प्लस α2, 3 पावर β1 प्लस β2, ठीक है। तो एक्स इंटू वाई आपको कितना चाहिए, 12। तो 12 किसके बराबर है, 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1, तो α1 प्लस α2 कितना हो गया, 2, β1 प्लस β2 कितना हो गया, 1। मतलब दोनों के दोनों हमें कहानियां चाहिए, सॉरी मतलब α1 प्लस α2 2 चाहिए और β1 प्लस β2 कितना चाहिए, 1 चाहिए, है ना। अब α1 और α2 क्या हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है और मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं। मतलब मैं x को ले लूं 4, x ये 4 इंटू 4 4 हो जाए, मान लो β1 0 और ये हो जाए 3, तो 4 इंटू 3 तब भी 12 होगा। तो अल्फा आई और बीटा आई दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें सीधा फिक्टिशियस से हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा 3c1 और ये हो जाएगा 2c1, तो ये कितना आ गया, 6। तो ऐसे समझो या ऐसे समझो एक ही बात, ये मेथड 2 हमने बता दी और ये मेथड नंबर 1 थी हमारे पास। क्या ये बात समझ में आती है भाई, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 72। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, 73 की हम बात करें तो 73 में सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 17640, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको इसका जो है प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 17640, तो इसको हमने 10 से किया तो 1764, ठीक है, और 8 से भी डिवाइड हो रहा है ये, तो 8 इंटू 2, 8 से नहीं जा रहा है 4 से जा रहा है, तो 441, ठीक है। ठीक है, 3 से तो 317, ठीक है, फिर 3 से तो 4 और 9 और ये 7 स्क्वायर, ठीक है। तो जो 17640 है वो नंबर हो गया आपका 10 इंटू ये, तो 10 को लिखा 2 इंटू 5, तो 2 क्यू, ठीक है, 3 का स्क्वायर और 5 जो है 5 पावर 1 और 7 का स्क्वायर, ओके। तो 17640 जो है वो 2 पावर 3 ये है ना। अब जैसे हमने ये किया है तो ये जो नंबर होगा एक्स इंटू वाई, एक्स को हमने ले लिया 2 पावर α1, है ना, 3 पावर β1, 5 पावर γ1 और 7 पावर δ1, ठीक है। ऐसे हम वाई को ले लेंगे 2 पावर α2, 3 पावर β2 एंड सो ऑन। ऐसे ही जेड को ले लिया 2 पावर α3, ऐसे ही W को ले लिया 2 पावर α4, ठीक है। तो इनको सबको प्रोडक्ट करेंगे तो α1 प्लस α2 प्लस α3 प्लस α4, ये कितना होगा आपका, 2 की पावर कितनी है, 3, तो 2 का पावर कितना चाहिए आपको, 3। आगे बात समझ में, ऐसे ही β1 से लेके β4 तक ये कितना होगा, बीटा क्या था, 3 का पावर, तो वो कितना है, 2। ऐसे ही γ1 से लेके γ4 तक ये किसका पावर है, 5 का। आगे बात समझ में, ऐसे δ1 से लेके δ4 तक ये किसकी पावर है, 7 की, तो 2। आगे बात समझ में, तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जैसे इस क्वेश्चन में किया वैसे ये भी है, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6c3 इंटू 3 और 2 5c3, ये हो जाएगा 2c3 और ये जो है 2 और 3 5 5c, एक मिनट, ये जो है ये 1 है, 1 प्लस 3 4c3 होगा ये, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहां पर α1 प्लस α2 था, यहां हमने क्या ले लिया, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा चारों ले लिए, ओके। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है आपको, कंसीडर द नंबर 21600, ठीक है, एक नंबर n है, इसे फैक्टर्स निकाल लिए, 100 से डिवाइड किया तो बचा 216, देन फिर 2 से जाएगा ये, 2 से नहीं 4 से, तो ये हो गया 5, है ना, और हाँ एंड 4, ठीक है, फिर 2 से तो 27 और ये लिखा हुआ है 3 क्यू, ठीक है। तो
तो ये नंबर हो गया, 100 को लिखा हमने 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 2 स्क्वायर 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 पावर 5, 3 क्यूब और 5 स्क्वायर, ठीक है। जो नंबर एन है उसको हमने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, तो 2 पावर 5, 3 क्यूब, 5 स्क्वायर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन से उसके बात कर लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स बहुत ही सिंपल, 5 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज कितना आ गया, 6 इंटू 4, 24 इंटू 3, 72, ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट बोल रहा है सम ऑफ प्रॉपर डिविजर्स। सम ऑफ प्रॉपर डिविजर्स क्या होगा आपका, तो हमने क्या किया सबसे पहले, तो सम ऑफ डिविजर्स निकाल लिया, तो 2 पावर 0, 2 पावर 1 से लेके कहां तक जाएगा, 2 पावर 5 तक, 3 पावर 0 से लेके कहां तक जाएगा, 3 पावर 3 तक, देन 5 पावर 0 से लेके कहां तक जाएगा, 5 पावर 2 तक। तो ये हो गया आपका, एक जीपी है जिसके टर्म्स कितने हैं 6, तो 1 माइनस 2 पावर 6 अपॉन में 1 माइनस 2, इधर हो गया 1 माइनस 3 पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3, एंड इधर हो गया 1 माइनस 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5, ठीक है। ओके, तो ये जो है ठीक, ये इस जीपी का सम आ गया। अब उसने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है सम ऑफ प्रॉपर डिविजन, तो ये आपका सम ऑफ डिविजन्स आ गया। सम ऑफ प्रॉपर डिविजर बताना है तो उसमें से हमने वो घटा दिया जो इम्प्रॉपर डिविजर है। इम्प्रॉपर डिविजर कौन सा होता है, नंबर खुद एन, दैट इज 2 1 6 00, तो इसको सॉल्व करो, उसमें से ये माइनस कर दो, तो सम ऑफ प्रॉपर डिविजर्स आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स। ऑड डिविजर्स का मतलब ये है कि 2 के पावर, मतलब 2 से जो डिविजर आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इवन बन जाएगा, तो हमने क्या किया, 2 के पावर 0 लिया, और 3 पावर 0 से लेके 3 तक कुछ भी आ सकता है, और 5 पावर 0 से लेके स्क्वायर तक कुछ भी आ सकता है। आगे बात समझ में, तो हमें जो सम बताना था, नहीं टोटल ऑड डिविजर्स बताना था, जो सम नहीं करना है, तो 2 को लेने का तरीका एक ही, वो कौन सा तरीका कि ना ले, 3 को लेने का तरीका 3 प्लस 1, दैट इज 0 से लेके 3 तक हम कितने भी 3 ले ले, 5 को लेने का तरीका 2 प्लस 1, तो ये हो गया 4 इंटू 3 12, सो टोटल नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स आर 12। ओके, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी रिजॉल्व इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन नेगेटिव फैक्टर्स। बहुत ही सिंपल, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 36। नाउ फिफ्थ पार्ट, ये हमारा फोर्थ, एक मिनट, ये हमने जो है कौन सा पार्ट कर दिया, ये सिक्स पार्ट कर दिया हमने, तो फोर्थ पार्ट करना। फोर्थ पार्ट देखो क्या है, सम ऑफ इवन डिविजन्स। सम ऑफ इवन डिविजन्स मतलब कम से कम उस डिविजन्स में कम से कम एक 2 तो मल्टीप्लाई हो तभी वो इवन होगा, तो 2 पावर 1 से स्टार्ट करके हमने 2, 3, 4 और कहां तक जाना है, 5 तक जाना है, इनटू 3, तो 0 से लेके 3 तक कुछ भी हो सकता है, और 5 2 तक कुछ भी हो सकता है। आगे बात समझ लो, तो ये आपका सम हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 माइनस, कितने टर्म्स है, 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, ये हो गया 1 माइनस 3 पावर 4, 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5, ये आपका हो गया सम ऑफ इवन डिविजर्स। समझ में आ गई बात, क्या हो रहा है यहाँ पे, फंडा क्या है, इवन डिविजर्स का मतलब क्या हुआ कि भाई कम से कम एक 2 आना चाहिए प्रोडक्ट में उस नंबर के, ठीक है, तो इवन डिविजर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये आपका था फोर्थ पार्ट, नाउ फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट बोला है नंबर ऑफ डिविजर्स, नंबर ऑफ डिविजर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड 15 बट नॉट बाय 16। तो 4 से डिविजल है मतलब कम से कम 2 स्क्वायर तो चाहिए, मतलब 2 जो है 2 टाइम्स चाहिए, या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स चल जाएगा 4 के लिए। आगे बात समझ में, 15 के लिए 3 और 5 से डिविजल हो मतलब कम से कम एक 3 चाहिए, कम से कम एक 5 चाहिए, और 16 से ना हो मतलब 2 पावर 4 से ज्यादा, 2 की पावर 4 से ज्यादा ना हो, तो ऑप्शन बचते हैं 2 की पावर हम कहां तक ले आ सकते हैं, 5 तक, बट मिनिमम कितना चाहिए स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर लिया और 2 क्यूब लिया, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 लेने से वो 16 से डिविजल हो जाएगा, और 15 के लिए 3 पावर 1 लिया, 2 लिया और 3 लेंगे, और 5 के लिए 5 भी आना चाहिए उसमें, तो 5 पावर 1 लिया और कहां तक जा सकते हैं, 2 तक। तो इसमें आपको सम बताना है डिविजर्स का या फिर नंबर ऑफ डिविजर्स बताना है, तो 2 को लेने के कितने चॉइसेस है, 2, दैट इज 2 या 3, 3 को लेने के कितने चॉइसेस है आपके पास, 3, 5 को लेने कितनी चॉइसेस है, 2, तो ये हो गया 6 इंटू 2 12। आती है बात समझ में, ये कौन सा हो गया, ये फिफ्थ पार्ट। नाउ सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट है
अभी बताया था, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी रिजॉल्व टू प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन नेगेटिव फैक्टर्स, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन डिवाइडेड बाई टू, दैट इज 36। आगे बात समझ में। नाउ सेवंथ पार्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स। को प्राइम फैक्टर हम बात कर चुके हैं कि आप सबसे पहले इसको को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो एन को, है ना, तीन नंबर जितने भी, मतलब यहां पर को प्राइम फैक्टर मतलब ये कि ये एक प्राइम हो, ये एक प्राइम हो, ये एक प्राइम हो, सॉरी को प्राइम फैक्टर में नहीं, ये सारे तीनों क्या है, प्राइम फैक्टर्स हो, ऐसे इतने में ब्रेक करो। तो कितने यहाँ पर, एक दो तीन, तो एन हो गया, हमने फॉर्मूला भी देखा था, टू पावर एन माइनस वन होता है, एन कितना हो गया, थ्री, तो थ्री माइनस वन, तो ये हो गया टू पावर टू, दैट इज फोर। तो ये आपका हो गया सेवंथ पार्ट। नाउ वी विल स्टार्ट इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे समझे, एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा, है ना, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है ना, ठीक है, कंसेप्ट बहुत ही इजी है। ठीक है, क्या है, जैसे सबसे पहले तो आप ऐसे समझो कि हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि आपके पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, और तीन लोगों को देना है, मतलब एबीसी। एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन था जो हम कर चुके हैं, ठीक है, देख लेना उसको हमने कैसे किया था, है ना। क्वेश्चन क्या है समझो एक बार फिर से, कि आपके पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और तीन लोगों को बांटना है ए बी सी, और किस हिसाब से बांटना है, कि सभी को कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिले। क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू पर्सन ए बी सी वाइल इंश्योरिंग दैट इच गेट्स एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबके पास कम से कम एक ऑब्जेक्ट जाना चाहिए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के लिए हमने कुछ ऐसा किया था कि ए बी सी आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन पर्सन है, ठीक है, तो हमने क्या किया था कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे भाई, कि 10 ऑब्जेक्ट है, तो सभी के पास कितने ऑप्शन होंगे, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट हाथ में लिया और तीन लोग लाइन में बैठे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके तीन, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका तीन, तीसरा ऑब्जेक्ट लिया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका तीन। आगे बात समझ में, तो ऐसा 3 पावर कितना आ जाएगा, 10 तक, ऐसे 10 ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, और आई थिंक उस क्वेश्चन में हमने 9 ऑब्जेक्ट्स लिए थे, कोई दिक्कत नहीं, 10 भी ले लोगे तो, बट उसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे किया था, फिर हमने इसमें से वो वाले केस माइनस कर दिए कि मतलब क्या किया है हमने, टोटल नंबर ऑफ वेज उसमें से वाले केस माइनस कर दिए जब वन जो पर्सन है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, माइनस टू पर्सन गेटिंग नो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो टोटल अभी बताया मैंने, एक ऑब्जेक्ट के लिए 3 ऑप्शन, दूसरे के लिए 3 ऑप्शन, तो टोटल हो गया 3 पावर 9। अब वन जो एक बंदा है उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो हमने तीन में से एक बंदा सेलेक्ट कर लिया जिसको कोई नहीं दिया, मान लो वो ए है उसको नहीं मिला, और बी और सी में अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 पावर 9 से, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, इसमें से हमें वो दो केस माइनस करना पड़ेगा जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट बी को मिल गए, सारे के सारे सी को मिल गए। ठीक है, अब इसमें से टू मतलब इसमें दो बंदे हमने ऐसे सेलेक्ट किए, मान लो ए और बी आ गया जिनको कुछ नहीं दिया, तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट किसके पास जाएंगे, अच्छा इसके साथ, हाँ ये ठीक है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन होंगे, एक 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 एक, ऐसा कुछ किया था हमने। ठीक है, अब मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दूं, और ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 × 3c1, 2 3c1, और ये जो लिखा है 3c2, इसको भी हम 3c1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3 पावर 9 माइनस 3c1 × 2 पावर 9 प्लस 3c1, 3c1 इज नथिंग बट 3। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन आया इसको समझो, हम ऐसे भी प्रॉब्लम को कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनना भाई, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, यदि ये आपको समझ में आ गया तो यही आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है।
ओके अब इसको एक मिनट के लिए भूल जाओ, अब मैं जो बता रहा हूँ उसकी बात। ठीक है, हमें टोटल ऑब्जेक्ट्स बांटना था, 9 ऑब्जेक्ट्स है 3 लोगों में, तो कैसे कितने तरीके से बांट सकते हैं, 3 पावर 9 से। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि इच गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। तो इसमें तो 3 पावर 9 में वो केस आ गए कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट 1 पर्सन को चले गए, या 2 पर्सन को जा सकते हैं, या 3 पर्सन को जा जा रहे हैं। तो हमें इसमें से कौन से केस माइनस करना है, जब 2 लोगों को चले गए एक खाली रह गया, या फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट 1 को चले गए 2 लोग खाली रह गए। तो वो हम ये कर चुके हैं। सुनना, अब हमने क्या किया, इसमें से वो केस माइनस किए जब एटलीस्ट 1 पर्सन गेट्स 9 ऑब्जेक्ट। यहां क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। हमने यहां और यहां क्या लिखा था कि एग्जैक्टली 1 पर्सन को कोई ऑब्जेक्ट ना मिले, तो उसका तरीका हमने ये लिखा था। यहां क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 पर्सन गेट्स 9 ऑब्जेक्ट। तो इसमें एटलीस्ट 1 कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ वो वाला केस भी आ जाएगा जब एग्जैक्टली 1 बंदे को कुछ नहीं मिला, या एग्जैक्टली 2 लोगों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि एटलीस्ट 1 बोला है। तो एटलीस्ट 1 पर्सन को कुछ नहीं मिले तो वो तो केस हो जाएगा कि 3 में से हमने एक केस वो ले लिया, 3 पर्सन में से 1 पर्सन ऐसा ले लिया जिसको कोई नहीं मिल रहा है, 3 पर्सन में से 1 पर्सन ले लिया जिसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो मान लो वो आपका बंदा है ए, ए को कुछ नहीं मिला। अब जो बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बी और सी में, तो उसको कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 2 पावर 9 से। या तो बी ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट बी के पास जाएगा, सी के पास, 2 ऑप्शन, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए सेम ऑप्शन, तो 9 ऑब्जेक्ट है सबके लिए, दो 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 इतने ऑप्शन हो जाएंगे, 2 पावर 9। आगे बात समझ में। अब आप इसमें ये बोलोगे कि इसमें तो वो वाले केस भी आ गए, कौन से केस, जब 2 लोगों को नहीं मिला। ध्यान से सुनना, अब आप ये समझोगे कि एग्जैक्टली 1 को कुछ नहीं मिले, एग्जैक्टली 2 को नहीं मिले, क्या वो दोनों केस इसमें आ गए क्या? बिल्कुल, क्योंकि हमने तो क्या बोला यहां पर कि एटलीस्ट 1 पर्सन को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिले, मतलब ये और ये कहानी सेम होनी चाहिए, बट ये और ये सेम कहानी है क्या? नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी ही आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बनाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो वो गड़बड़ी क्या है यहां, वो हम समझते हैं। ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला कि कम से कम 1 बंदे को कुछ नहीं मिले, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तो वो वाला केस तो आ गया कि एग्जैक्टली 1 बंदे को कुछ नहीं मिला, बट इसमें गड़बड़ी क्या हो गई वो देखो। कि मान लो हमने बोला यहां पर कि ए को कुछ ना मिले, ठीक है, और क्या मिल, क्या होगा, जब 3C1 लिया तो बी को कुछ नहीं मिलेगा, वो केस भी आएगा, और एक केस वो भी आएगा जब सी को कुछ नहीं मिला। आगे बात समझ में। अब इसके अंदर हमने तो क्या बोला था कि एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं मिले, तो इसमें ये वाला केस भी आया कि ए बी को ना मिले सी को मिल जाए, और एक केस वो भी आया कि ए को ना मिले सी को ना मिले और बी को मिल जाए। आ रही बात समझ में। इसमें भी ऐसा होगा कि बी को नहीं मिल रहा है, तो ए को ना मिले बी को ना मिले सी को मिल जाए, या फिर ए को मिल जाए बी को ना मिले और सी को ना मिले, वो वाला केस भी आएगा। बोलो, जैसे इसमें हमें बी को नहीं दे रहे, सारे सारे ऑब्जेक्ट ए को दे दे सी को ना दे, या सारे सारे ऑब्जेक्ट सी को दे दे ए को ना दे, वो केस भी आएगा। और इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट मैंने बी को दे दिए, तो ए को कुछ नहीं मिला और सी को कुछ नहीं मिला, सी को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, और यह हो सकता है कि बी को कुछ ना मिले सी को कुछ ना मिले और सारे के सारे ए को मिल जाए। तो इसमें सुनो ध्यान से, हमने कौन से केस माइनस किए हैं कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं मिले, बट इसमें जब ए और बी को कुछ नहीं मिल रहा है और सी को सारे मिल रहे हैं, सारे 2, तो हमें तो कितनी बार माइनस करना था टोटल में से, एक बार माइनस करना था क्या वो केस? जब क्वेश्चन दिमाग में रखो, क्वेश्चन क्या था कि एटलीस्ट ईच शुड गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, तो हमें तो टोटल में से वो वाले केस माइनस कर दिए, जब जब एटलीस्ट एक जो बंदा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो ए को कुछ नहीं मिला है ना, बी और सी को मिल जाए तब तो काम बात बन जाएगी, पर सारे के सारे बी को मिल जाए सी को ना मिले, जो हमने मतलब केसेस बनाए हैं, इस केस में 2 बनेंगे, इसमें 2 बनेंगे, इसमें 2 बनेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही, जब 2 बंदों को कुछ ना मिले, तो 2 बंदों को कुछ नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि सबको कम से कम एक चाहिए, तो 2 बंदों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। बट इसमें गड़बड़ी क्या हो रही है, इसमें गड़बड़ी क्या हो रही है कि
जब ए को और बी को नहीं मिल रहा है और सी को मिल जाए तो दो दो केस आ गए, मतलब आपने टोटल में से दो बार केस वो माइनस कर दिया जब दोनों को कुछ ना मिले। माइनस कितनी बार करना था? एक बार। हो कितनी बार गया? दो बार। तो फिर हमें वो वाला केस ऐड करना पड़ेगा एक बार, जब एग्जैक्टली दो बंदों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो दो बंदों को कुछ नहीं मिलने का तरीका, तीन में से दो बंदे सेलेक्ट कर लिए 3C2 से, और फिर क्या हो गया, दो बंदे को कुछ नहीं दिया, बाकी जो ऑब्जेक्ट है सबके पास कितने ऑप्शन है? एक 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 एक, कितनी बार? नहीं, मैं तो 1 पावर 9। तो वो वाला केस हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे सारे केस हमें दो, हमने टोटल में से दो बार माइनस कर दिए जब किसी दो बंदों को कुछ नहीं मिल रहा है। माइनस कितनी बार करना था? एक बार। हो गया दो बार, तो न्यूट्रल करने के लिए प्लस एक टाइम ऐड कर दिया जब दो बंदों को कुछ नहीं मिल रहा है। आगे बात समझ में, मतलब ऐसे ही आप समझ सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो वो वाला एग्जाम्पल देखो, जब ए और सी को कुछ नहीं मिल रहा है और बी को मिल रहा है, तो ये वाला केस और ये वाला केस भी दो बार आ गया, तो सारे केस दो ही बार आएंगे आपके। तो कहने का मतलब है कि हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, कम से कम एक बंदे को कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहां से जो लिखा है, इससे तो ये समझ में आता है कि भाई इसमें वो वाला केस भी आ गया जब एक को कुछ नहीं मिल रहा है और दो को कुछ नहीं मिल रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब दो को कुछ नहीं मिल रहा है, वो वाला केस दो बार माइनस कर दिया। माइनस कितनी बार करना था? एक बार। तो दो बार माइनस किया न्यूट्रल करने के लिए, हमने प्लस एक बार वो जोड़ दिया। कौन सा केस जोड़ दिया? जब दो बंदों को मिल रहा है। अरे बात समझ में। अच्छा, तीनों को कुछ नहीं मिला, वो वाला केस तो इसमें है ही नहीं, वाला केस हो गया नहीं ना, क्योंकि हम जो पहला ऑब्जेक्ट बनाया तीन में से किसी को दे दिया, तो किसी ना किसी के पास तो जाएगा ना। मतलब ऐसा केस तो हो नहीं सकता कि तीनों को ना मिले। मिलेगा ऑब्वियस है, तीनों में से किसी ना किसी को तो मिलेगा, कम से कम एक को। तो यही आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, टोटल छोड़ो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन आप लगाते हो तो नंबर ऑफ वेज क्या आएगा, ध्यान से समझना। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस माइनस नंबर ऑफ वेज व्हाइल इंश्योरिंग दैट रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन फेल्ड नंबर ऑफ वेज व्हाइल इंश्योरिंग दैट रेस्ट्रिक्शन फेल्ड एटलीस्ट वंस प्लस नंबर ऑफ वेज व्हाइल इंश्योरिंग दैट रेस्ट्रिक्शन फेल्ड एटलीस्ट ट्वाइस माइनस नंबर ऑफ वेज व्हाइल रेस्ट्रिक्शन फेल्ड एटलीस्ट थ्राइस प्लस नंबर ऑफ वेज व्हाइल रेस्ट्रिक्शन फेल्ड एटलीस्ट 4 टाइम्स माइनस। तो ऐसा चलता रहेगा। फॉर्मूला समझ में आया? क्या करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालो, उसमें से माइनस नंबर ऑफ वेज बाय इंश्योरिंग दैट रेस्ट्रिक्शन फेल एटलीस्ट वंस, फिर प्लस, तो रेस्ट्रिक्शन दो बार फेल कर दो, फिर माइनस, मतलब जो साइन है प्लस माइनस का वो अल्टरनेट चलता रहेगा। यहां पर कौन सा साइन है? प्लस का, देन माइनस, प्लस माइनस, और रेस्ट्रिक्शन कहां से स्टार्ट करो, कम से कम एक बार फेल हो रहा है, प्लस कम से कम दो बार, माइनस कम से कम तीन बार, प्लस कम से कम 4 बार, ऐसा। तो जहां तक रेस्ट्रिक्शन दे रखा है, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, हमें क्या था, 9 ऑब्जेक्ट थे, उनको 3 लोगों में बांटना है, और रेस्ट्रिक्शन क्या है कि सबको कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिले। तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 9 ऑब्जेक्ट बिटवीन ए बी सी, वो हो गया 3 पावर 9। उसमें से हमने वो वाला केस माइनस कर दिया जब रेस्ट्रिक्शन कम से कम एक बार फेल हो रहा है। रेस्ट्रिक्शन कम से कम, यहां पर क्या बोला है, कम से कम एक ऑब्जेक्ट जाना चाहिए, तो हमने क्या बोल दिया, उसका विपरीत, हमने क्या बोल दिया कि कम से कम एक बंदे को नहीं जा रहा है। उसने क्या बोला है कि सबको कम से कम एक जाना चाहिए, हमने बोला कि एक बंदे को नहीं जा रहा है, कम से कम एक बंदे को, सो एटलीस्ट 1 पर्सन गेट्स नथिंग। ठीक है, अब इसमें ऐड किया हमने कि
एटलीस्ट टू पर्सन को कुछ नहीं मिला, एटलीस्ट टू पर्सन को कुछ नहीं मिला, तो इसमें वाला केस भी आ जाएंगे फिर, एटलीस्ट टू पर्सन। फिर अगला केस कौन सा आएगा, माइनस, जब तीनों पर्सन को कुछ नहीं मिला तो जीरो आ गया, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब टोटल में से माइनस वो किया कौन सा, जब कम से कम एक को मिल रहा है, कम से कम एक को कुछ नहीं मिल रहा है, प्लस दो बंदो, कम से कम दो को कुछ नहीं मिल रहा है, फिर माइनस हमने वो वाला केस किया जो कम से कम तीन को कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो तो जीरो होगा, क्योंकि यहां हम बता चुके हैं कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो किसी ना किसी बंदे को मिलेगा, मतलब तीनों में से किस कोई ना कोई बंदा ऐसा है जिसके पास ऑब्जेक्ट आएंगे ही आएंगे। आ रही है बात समझ में? तो यही आपका, ये आपको फंडा समझ में आया, तो यही इंक्लूजन एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन का फंडा है। ठीक है, यहां प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि इसमें दो बार आपने माइनस किया। आगे बात समझ में? अब इसको आप समझ सकते हो कि टोटल में से एटलीस्ट वन, ये ध्यान रखो, एटलीस्ट वन, देन एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट चल रहा है आगे, एटलीस्ट थ्राइस, देन एटलीस्ट फोर टाइम्स, फिर एटलीस्ट फाइव, तो प्लस माइनस ये चलता रहेगा। आ रही भाई बात समझ में? अब मान लो यहां पर चार लोग होते और हमें तीन में रेस्ट्रिक्शन फेल करना होता, मतलब तीन ऑब्जेक्ट, तीन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमें यहां क्या करना पड़ता कि वो वाला केस भी माइनस करना पड़ता है जब कम से कम तीन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों होता कि ये माइनस और ये प्लस उसको न्यूट्रल कर देता, हमें कितनी बार माइनस करना पड़ता उस केस को, एक बार, तो वो यहां से न्यूट्रल हो गया, तो टोटल में से एक बार माइनस करना पड़ेगा यदि ऐसा होता तो। बात समझ में आ गई? ये फंडा चलता है यहाँ पे। ओके, सो एक क्वेश्चन करते हैं, यदि डाउट है वही तो एक बार फिर से ये लेक्चर एक बार फिर से देखो आप स्टार्टिंग से, ठीक है? तो मुझे भरोसा है कि ये क्लियर हो जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 75। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 आपका कुछ ऐसा है, लेट अ एट डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म ठीक है विच शुड नॉट कंटेन डिजिट्स 0, 1 एंड 2 एंड मस्ट कंटेन डिजिट्स 3, 0, 1, 2, यस 5, 6, 7 और 8 कर, कोई भी कर लो, 4, 5, 6, 7। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओके ठीक है, क्वेश्चन है, लेट अ 8 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड विच शुड नॉट कंटेन डिजिट्स 0, 1 एंड 2 एंड मस्ट कंटेन डिजिट्स 4, 5, 6, 7। ओके, तो आपके पास जो डिजिट्स है वो 0 से लेके 9 तक 10 होते हैं, उसमें 0, 1, 2 हटा दो, और ये बोला गया है कि 4, 5, 6 और 7 ये डिजिट्स आने ही चाहिए, बचे कौन से, 3, 8 और 9, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो दिस मस्ट है, ये आना ही चाहिए उसमें। एक तो ये अब हम क्या कर सकते हैं कि चारों है ना, अच्छा, और ऑब्वियस है कि यहां कुछ नहीं बोला है, हमें तो नंबर बताना है टोटल 8 डिजिट का, तो रिपीटेशन यहाँ अलाउ करना पड़ेगा। ओके, रिपीटेशन अलाउ है यहाँ पे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यदि रिपीटेशन नहीं होता, अब कितने डिजिट है, 9, रिपीटेशन नहीं होता तब भी बन जाता है, 8 डिजिट का नंबर बनाना है हमें, पर यहाँ रिपीटेशन करना है। ध्यान से सुनना क्या होगा, तो हमारे पास डिजिट्स कितने अवेलेबल है, 4 प्लस 3, 9, 9 डिजिट्स अवेलेबल है, 9 है ना, सॉरी 4 प्लस 3, 7, 4 प्लस 3, 7 डिजिट्स अवेलेबल है, और हमें 8 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप यही देख सकते हो, 7 डिजिट से 8 का बनाना है, तो रिपीटेशन तो करना ही पड़ेगा तभी बनेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स कम है ना। ओके, अब उसने कंडीशन क्या बोली है कि ये डिजिट जो है 4, 5, 6 और 7 ये उस नंबर में आना चाहिए, जितने भी नंबर बनेंगे सब में आना चाहिए, तो ध्यान से सुनो हमने क्या किया, तो ये जो 7 डिजिट्स है इनसे हमें 8 डिजिट का नंबर बनाना, कितने तरीके से बना सकते हैं, रिपीटेशन है तो 7 पावर 8, बहुत ही सिंपल, ठीक है,
मतलब 7 places है, 8 places है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 7 में से कोई भी आ जाए, यहाँ भी 7 में से रिपीटेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 7 power 8 माइनस, अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा रहे हैं हम, कैसे लगा रहे हैं समझना, हमें क्या बोला गया है कि कम से ये डिजिट्स कम से कम एक बार आना चाहिए, ये बोला गया 4 5 6 7, 4 5 6 7 कम से कम एक बार आना चाहिए, ठीक है। तो हमने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बताए, माइनस क्या लिखा है, नंबर ऑफ वेज वाइल इंश्योरिंग दैट रेस्ट्रिक्शन फेल्ड एटलीस्ट वन, मतलब हमारे पास रेस्ट्रिक्शन क्या है कि चारों के चारों डिजिट आना चाहिए, हमने क्या बोल दिया कि चार में से एक डिजिट नहीं आ रहा है, कम से कम चार में से एक डिजिट नहीं आ रहा है, फिर आए ना आए उसकी बात नहीं कर रहे, तो कम से कम चार डिजिट है तो कम से कम एक डिजिट नहीं आ रहा है, तो चार में से एक डिजिट सेलेक्ट करने का तरीका, तो मान लो 4 नहीं आ रहा है, ऐसे समझो चार में से एक डिजिट नहीं आ रहा, तो बचे कितने, 3, और ये कितने बचे, 3, टोटल कितने हो गए 6। अब 6 डिजिट से आपको 8 डिजिट का नंबर बनाना है, तो वो हो जाएगा 6 power 8, क्योंकि 6 डिजिट है सबके पास, जितनी पोजिशन है सबके पास कितने ऑप्शन होंगे, 666। आगे बात समझ में, अब इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या हमने क्या किया अभी, कम से कम एक एक डिजिट नहीं आए, प्लस कम से कम 2 डिजिट नहीं आए, तो चार में से 2 डिजिट ऐसे सेलेक्ट कर लिए जो नहीं आ रहे, बचे कितने डिजिट, इधर 2 और इधर 3 5, तो 5 power 8 माइनस कम से कम 4 डिजिट नहीं आए, कितने डिजिट बचे, 1 और 3 4, कम से कम चारों डिजिट नहीं आए, तो कम से कम यहाँ तो एग्जैक्टली 4 ही होगा, तो 4 से 4 डिजिट नहीं आए, बचे कितने, 3, तो 3 power 8, आगे तो जाने ही नहीं है, 5 नहीं आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ 4 की बात की है ना भाई, 5 की तो हम बात ही नहीं करेंगे। अरे बात समझ में, अब कुछ लोग बोले यहाँ बोला है कम से कम एक डिजिट नहीं आया, तो 4 में से 1 नहीं लिया तो बाकी 3 तो आएंगे, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। मान लो हमें तो 8 डिजिट का नंबर बनाना, 3 4 5 6 7 8, मान लो वो ऐसा आ गया 6 7 3 8 9 और 6 7 3 यूज कर लिया, इसमें अब देखो कहीं 5 आ रहा है क्या, क्योंकि अब 6 power 8 में तो कोई भी कितनी बार भी रिपीट कर सकता है, तो इसमें कभी 5 आएगा क्या, या फिर ऐसे यूज करेंगे सारे 7 7 7 7 यूज कर लिए तो तब 5 और 6 नहीं आएगा, दुबो वाला केस भी नहीं आएगा इसमें, तो हमने तो क्या बोला कि कम से कम एक डिजिट नहीं आएगा, मतलब हमने जो रेस्ट्रिक्शन है कि चारों डिजिट आना चाहिए, तो हमने सबसे पहले तो कम से कम एक बार फेल किया, प्लस कम से कम 2 बार फेल, माइनस कम से कम 3 बार फेल, कम से कम 4 बार फेल, यहाँ पे फेलियर का मतलब क्या है कि एक डिजिट ना आए, 2 डिजिट ना आए, 3 डिजिट ना आए, 4 डिजिट ना आए, ये जो है उनमें से। आगे बात समझ में, ये आपका एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, और क्यों हो रहा है ऐसा वो हम पहले यहाँ पर देख चुके हैं, यदि तब भी समझ में नहीं आया तो फिर एक बार आप समझो, ऐसे इसको ऐसे समझो, मान लो 4 में से 1 डिजिट हमने नहीं लिया, वो मान लो 4 नहीं लिया, तो 5 और 7 जितनी बार भी यूज हो उससे यहाँ और यहाँ पर आ गया, जिसमें हम 5 और 7 यूज करेंगे, और उसके अलावा ये 3, ऐसे समझो इसको, 5 और 7 यूज किया और ये 3 यूज कर लिए, तो वो जो डिजिट मान लो ये कैसा बन रहा है, 3 4 5 6 7 8, मान लो ये बन गया 5 7 और 3 3 3 3 3 3, मान लो एक नंबर यहाँ, हम ये वाला नंबर बनेगा इसमें, बनेगा ना भाई, बोलो बनेगा। अब हम 4 में से 1 ऐसा ले रहे हैं जो नहीं आ रहा है, तो हमने क्या बोला था कि 4 नहीं आ रहा है, अब ऐसा हो सकता है कि मान लो वो 6 ना आए तो फिर 5 7 बचा, फिर हमने एक बनाया नंबर मान लो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा, क्या बोला हम, ये कौन सा केस कर रहे हैं कि 4 में से कोई 1 ना आए, मान लो 4 नहीं आया, तो ये नंबर पॉसिबल है क्या, क्योंकि 6 power 8 में तो बिल्कुल पॉसिबल है, मान लो इस केस में फिर हमने लिया कि पहले तो 4 नहीं आ रहा था, अब मान लो 6 नहीं आ रहा है, तो फिर 5 7 को यूज करके ये नंबर बना सकते हैं क्या, तो ये नंबर, इस नंबर में हमें पता है कि 5 7 आ रहा है, 4 6 नहीं आ रहा है ना, ध्यान से सुन लो।